लुधियाना के ज्वद्दी खुर्द में आज नन्ने गुलस्तान एनजीओ की तरफ से बच्चों के लिए फ्री मेडिकल जांच कैंप और फ्री दवाइयों का कैंप आयोजित किया गया। ये मेडिकल कैंप नन्ने गुलस्तान एनजीओ की प्रेसिडेंट रूपिका कौर शैली मैडम और एनजीओ के वाइस प्रेसिडेंट प्रभजीत सिंह और मुख्य अतिथि कांग्रेस जनरल सेक्रेटर इमरान रजा खान, वुमेन हेल्पलाइन कांग्रेस की स्टेट प्रेसिडेंट सिमी चोपड़ा पशान, काउंसलर दिलराज सिंह, हल्का इंचार्ज कुलवंत सिंह सिद्धू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस मौके पर बच्चों के विशेषज्ञ डॉक्टरों रसप्रीत कौर और उनकी टीम की ओर से बच्चों की मेडिकल जांच की गई और टेस्ट संबंधी सैंपल भी लिए गए और इस मौके पर डॉक्टरों द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की पूरी जानकारी दी गई। आज हमें यहाँ पे नन्हे गुलिस्तान के मेडिकल कैंप में आने का मौका मिला है। बहुत ही अच्छा काम है जो रूपिका जी कर रही हैं। बच्चों की एजुकेशन जो हमारा फर्स्ट मोटिव होता है कि बच्चों को एजुकेट किया जाए, यही बच्चे हमारे देश का जो भविष्य है। तो इनके अगर हम अवॉइड करते हैं या इनकी प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती तो वो बहुत ही गलत है। आप मेरे को सुनने में भी आ रहा था कि कुछ बच्चे काम पे जाते थे तो वो तो बहुत ही गलत है। दैट इज़ चाइल्ड अब्यूज़ की भी चाइल्ड लेबर के अंडर आता है, तो उनको तो रिपोर्ट भी करना चाहिए कि जो बच्चे काम करने जाते हैं उनको वहाँ से हटा के स्कूल्स में भेजना और स्कूल्स में एजुकेशन देना बहुत ही अच्छा काम है। हमारी सरकार ने बहुत सी सुविधाएं बच्चों के लिए दे रखी हैं। इन्होंने मैंने अप्रोच किया कि मैडम असी एक मेडिकल कैंप करना चाहते हैं जिसे असी सारे बच्चे अंडर प्रिविलेज जो बच्चे ने उन्होंने चैकअप करा सकी तो उन्होंने कुछ फायदा हो सके। मैंने इन्हों का आइडिया बड़ा चंगा लगे तो मैं इन्होंने कहा भी आप जरूर सपोर्ट करांगे। तो अज का दिन असी सिलेक्ट किया, अज सवेरे 10 बजे तो असी इन्हें स्टार्ट किया है। हूँ तक असी अराउंड 50 to 60 बच्चों का चैकअप कर चुके हैं जिदे मोस्टली बच्चों को खांसी जुकाम की दिक्कत है या लूज मोशन की प्रॉब्लम है। बाकी कुछ बच्चे असी ए वजह भी स्क्रीन किए हैं जिन्होंने स्पेशलिटी ट्रीटमेंट की जरूरत है। आज यहाँ हमने साल का पहला इवेंट लगाया मेडिकल कैंप। मैं पिछले एक साल से काम कर रही हूँ। हमारा टारगेट ये है कि बच्चों को स्कूल तक लेके जाना है और उनको स्टडी तक वो करना है। गवर्नमेंट ने हमें इतनी सुविधाएं दी हैं कि उन्होंने स्कूल बनाए अलग अलग, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। बहुत सारी गर्ल्स चाइल्ड ऐसी हैं जो लेबर कर रही हैं, काम कर रही हैं लोगों के घरों में, उनको वहाँ से हटा के पिछले एक साल में मैंने लास्ट जुलाई में स्कूल तक पहुँचाया। अभी नेक्स्ट ये मार्च आ रहा है तो उसमें भी मैं बच्चों को और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में लेके जाऊँगी। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी क्राउड है, काफ़ी बच्चे आ रहे हैं आज मेडिकल चेकअप के लिए। तो जैसे किसी को आयरन की कमी है, किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, इवन एक बच्चा भी आया, पेरेंट्स 4 बच्चे हैं उनके, उसको मे बी टीवी की शिकायत हो तो उसकी भी ट्रीटमेंट का मैंने उनको बोला कि सारा आगे का खर्चा हम करेंगे। और आज हमें सबसे पहले शुक्रिया करती हूँ सिमी चोपड़ा मैम का जो अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आज इस कैंप में टाइम देने आए। जागृति लहर के लिए लुधियाना से पारस दानिया की रिपोर्ट।